भाई जिंदगी में ना गांड फटी पड़ी है भाई, गांड फटी पड़ी है, सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरे फेस से तुम लोगों को पता लग ही गया होगा। अभी इंजन रूम के अंदर अलग गांड फटी पड़ी है। मरीन इंजीनियर बींग अ मरीन इंजीनियर, उसके बाद अभी जैसे ऊपर आया तो देख रहा दूसरे साइड गांड फट गई, देख कर हंगामा मच गया, फिर भागे भागे भागे। मल्टी टास्क करे तेरा भाई, इसलिए बोल रहे हैं सपोर्ट करो, बहुत मेहनत होता है, हो रहा है, लग रहा है। तो भाई कहाँ है रे ये लोग, वो चिंदी चिंदी चोर लोग आए थे ना मेरे ट्विटर में, तेरी तो प्रेडिक्शन सारी गलत होती। चलो मान लो 2023 में आ रही है फिल्म, सारी प्रेडिक्शन गलत होती है। 10 महीना लगभग, 1 साल पहले मैंने ये टीज़र का BGM, टीज़र का डायलॉग्स, टीज़र का कटआउट्स, कितने देर का टीज़र होगा, कब रिलीज़ होगा, सब एक साल आई गेस, 1 साल पहले। नहीं 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 याद है अभी तुम लोगों को, बहुत लोग वही, तुम लोगों को नहीं, सब SRKN भाई लोगों ने, मेरे भाई लोग तो अपने भाई लोग हैं, लेकिन जो 20% जो टेलीग्राम SRKN ना, टेलीग्राम से डाउनलोड करते हुए SRKN, जिन लोगों ने कल टीज़र का BGM लीक कर दिया था, जो 1 साल पहले से मेरे पास था। हाँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देखना, 1 साल पुराना बेटे, 2000 साल पहले की बात है। हाँ, तो अभी टीज़र देखा मैंने, जो कि मेरे को पता था भाई वही टीज़र है जो 1 साल पहले इन लोगों ने कटआउट करके ड्राफ्ट रखा हुआ था, वही टीज़र है। ये 15 अगस्त को आने वाला था, उसी टाइम मैंने बोला था विद BGM डायलॉग्स सब कुछ मैंने बोला था, लेकिन 1 साल हो गए थे नहीं आया, तो मुझे भी लगा कि भाई डाउटेड हो गया है, मेरे साथ प्रैंक हो गया करके। अब 1 साल बाद इवन मेरे इंस्टाग्राम में भी मैंने BGM को रिक्रिएट किया था 2 महीने पहले कीबोर्ड में म्यूज़िक बजा के, तो 1 साल बाद वही टीज़र, वही BGM, सब कुछ विजुअलाइज देख रहा हूँ। और भाई बाल लुक भी कहा था, हाँ वो रिवील नहीं किया उन लोगों ने भी, वो होगा धीरे धीरे होगा, आराम करो आराम करो। लेकिन मास मास मतलब मास हिंदुस्तान सिनेमा का शेर, ऑफिशियल शेर आ रहा है, आराम से बैठो और हंगामा देखो, बिकॉज 1 साल में पहले एटम बॉम्ब गिरेगा, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा, फिर वो यूरेनियम बॉम्ब गिरेगा, डायरेक्ट यूरेनियम से ब्लास्ट करेगा वो, तो पूरा 2023 पूरा डोमिनेट ईयर कर दिया है, पूरा का पूरा शाहरुख खान डोमिनेंट होगा, वो पूरा का पूरा साल हंगामा तहस रच देगा, क्योंकि ये आई गेस 2004 में हुआ था लास्ट टाइम जब 3 फिल्म साथ में आई थी। तो भाई भाई मास यही मेरे को चाहिए था, हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम, भाई अब दिखाओ पैन इंडिया ना, जब बोलता है ना वर्ल्ड्स बिगेस्ट मूवी स्टार हिंदुस्तान सिनेमा का शान, जब पैन इंडिया फिल्म लेकर आता है ना, विथ एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो गई होगा मेरे को जितना पता, मैंने बोला था ना अटली की मूवी का, मैंने बोला था ना जो इनसाइडिंग मतलब जितने भी मेरे को मिल रहे वैल्यूज़ उस फिल्म के, उसको मैं ऊपर क्यों रख रहा हूँ, इतना ऊपर क्यों रख रहा हूँ पठान के साथ में, धीरे धीरे तुम लोगों को पता चलेगा, क्योंकि परफेक्ट मास एंटरटेनर फिल्म है, मास एंटरटेनर फिल्म है। क्या BGM है भाई, चलो BGM तो मैं 200 बार सुन चुका हूँ, 250 बार सुन चुका हूँ, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, बट विजुअल्स जो दिखाया ना भाई, मतलब क्या दिखाया भाई, क्या दिखाया, मज़ा आ गया, मैं दिल खुश हो गया मेरा, ब्लास्ट कर दिया, फाड़ दिया रख कर। तो द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट बोल रहा रेड चिलीज के लिए, शाहरुख खान के लिए नहीं, रेड चिलीज के लिए। तो जिन लोगों ने टीज़र नहीं देखा, न्यूट्रल लोग जाकर देखो, और भाई सपोर्ट करो यार, क्यों पता है पूरी हिंदी सिनेमा का कमबैक सिर्फ और सिर्फ, मानो या ना मानो, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के शोल्डर पे है, और वो यही बंदा है। फर्स्ट प्रेफरेंस अगर देखा जाए तो इसी बंदे के शोल्डर पे, उसके बाद 2-3 स्टार्स और आएंगे। टू बी फ्रैंक मैं बोल रहा हूँ, इनका कमबैक मतलब कमबैक नहीं होगा, वो ना मॉन्स्ट्रस कमबैक होता है, मॉन्स्ट्रस कमबैक है। इवन विराट कोहली के भी कमबैक का मैं वेट कर रहा हूँ, द टू किंग्स डायनामाइट किंग्स। तो जवान का टीज़र देखा है, ज़बरदस्त था, फाड़ दिया। और मैं याद है मैंने एक बार बोला था वीडियो में कि जवान, ये जो ये अटली की और शाहरुख खान की जो फिल्म का BGM है, पठान के BGM से 200 गुना बेटर है, 200 गुना। तब लोगों ने मेरा वो कीबोर्ड प्ले वाला सुना तो बोला इसमें तो ये तो मतलब कॉपीड BGM लग रहा है, ये तो कुछ उतना खास नहीं लग रहा है। अब सुनो जाकर, इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि सेम टू सेम तो रिक्रिएट नहीं कर सकता था ना मैं। हाँ, जो मेन थीम है वो मैंने रिक्रिएट किया, जाकर देखो और इन्जॉय करो, ब्लास्ट करो, शेयर करो, और भाई को हमेशा सपोर्ट करते रहो।
जितना हो सकता है मेरे बस की बात, अगर जितना है मेरे बस में मैं करता रहूँगा।